हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। गाइज, आज के इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक पढ़ने वाला है। प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टुडेज टॉपिक, लेट मी टेल यू ऑल, देर इज़ अ बिग 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 अनाउंसमेंट विच इज़ ऑन द फ्लोर। येस माई डियर फ्रेंड्स, जिसकी बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे, वीडियो जो है वो आपको मिलने वाला है, प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। क्या बात कर रहे हो? येस। सो गाइज, जो मॉडल अनअकेडमी पे हम यूज़ कर रहे थे, दैट वॉज अ प्लस मॉडल, जहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट्स थे। रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग, पीडीएफ ऑफ द नोट्स, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे आप लोगों को बुक का हार्ड कॉपी भी रिलीज हो रहा था। सो नाउ गाइज, जस्ट स्टेपिंग अ स्टेप अहेड, आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंडली प्रीमियम रिकॉर्डेड स्टूडियो कॉन्टेंट। तो जहाँ पे हम आपको बोल रहे थे कि आपको एनिमेटेड कंटेंट मिलने वाले हैं, मेमोरी टेक्निक्स, विजुअल टेक्निक्स के साथ आपको कंटेंट समझाया जाएगा। सो येस माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी स्टूडियोज़ में आपको मिलने वाला है एट सी ए फाइनल लेवल ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। एंड वो भी प्राइजेस अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी मिनिमल। वी बेट दैट नो वेयर यू आर गोइंग टू गेट द प्राइजेस एट विच अनअकैडमी इज़ गोइंग टू ऑफर। And on top of that, you can use the code AuditSAR to take maximum possible discount. So specifically talking about Audit Fast Track and Audit Regular Batches, Fast Track is already launched. Regular batch for May 23 and November 23 is upcoming. So guys, don't wait, don't miss this opportunity. Start studying hard. So चले इसी बात पे हम आज का content शुरू कर देते हैं. Let's get started. चलिए अब हमें स्टार्ट करना एक ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा छोटू सा चैप्टर, दैट इज ऑडिट ऑफ पीएसयूज। अब ये पीएसयू वाले चैप्टर में पहले तो हमें ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या है ना। सो व्हाई इज दिस चैप्टर रेलेवेंट? छोटू सा चैप्टर है, दिस रेंजेस फ्रॉम 0 to 4 marks, मैक्सिमम 5 marks, ठीक है। ये चैप्टर ही बहुत छोटू सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें या फिर नहीं क्वेश्चन आ सकता। अगर क्वेश्चन आया तो 4 से 5 नंबर के लिए आएगा। व्हाट आई फोरसी इज एक खाद क्वेश्चन उन लोग ऐसे दे सकते हैं, ऑफ डिस्क्रिप्टिव, एंड 1 mark MCQ दे सकते हैं, 1 mark MCQ। एज पर सोर्सेज, बच्चे लोगों ने लास्ट टाइम मुझे कहा था, फ्रॉम दिस चैप्टर कुछ ऐसी कमिटीज में आपको आगे पढ़ाऊंगी, उस कमिटीज में से MCQ आए थे, ठीक है। सो दैट कैन बी अ रेलिवेंट कॉम्बिनेशन के 4 marks का एक क्वेश्चन, 1 or 2 mark का MCQ पूछ लिया जाए, तो दिस कैन रेंज फ्रॉम 0 to 5 marks। कूल। अब व्हाई इज दिस ऑडिट ऑफ पीएसयू रेलिवेंट? क्या है इस चैप्टर में ऐसा जो हमें पढ़ने जैसा? ऑडिट ऑफ पीएसयू, अभी PSUs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सबको पता है फुल फॉर्म, राइट? अब इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कवर करते हैं? इट इंक्लूड्स 3 important things। पहला, इट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्ट्रीज। मैम, मिनिस्ट्रीज मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो हम लोग कहते हैं ना कि MCA हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, एवरी मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑपरेशन में है, इन सबको ऑडिट करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक डिपार्टमेंट्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉर्पोरेट्स या कंपनीज। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं, जहां जहां गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्टेड है, जहां जहां गवर्नमेंट ने पैसा लगा करके रखा है, इन सारी एंटिटीज का ऑडिट करने का मतलब होता है ऑडिट अंडर पीएसयूज। एंड ये किसको हम लोगों ने थोड़ा सा ठेका दे करके रखा है फॉर गवर्नमेंट ऑडिट? यस, नन अदर देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेट मी राइट इट दिस वे, कैग। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में दे करके रखा था अंडर सेक्शन 143, जहां पे हम लोग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, एज वेल एज 139, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। So whenever we talk about the audit of PSUs, these are the 3 elements which are included as PSUs. So ma'am, what kind of audit are done? What types of audit are being performed? Why are these audit being performed? Ek chota sa example lete hai guys. See, companies ke liye why do we perform audit? Because I know the set of investors are different than the set of person who are utilizing the funds.
अगर हम आपको बोले कि दीज आर द शेयर होल्डर्स एंड दे आर द मैनेजमेंट मैनेजिंग द कंपनी, द ऑडिटर इज एक्चुअली अपॉइंटेड कि यार ये जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दावा दे रहा है वो सही है कि नहीं है, इन लोगों को बताना, क्योंकि इन मासूम लोगों का पैसा लगा हुआ। सेम थिंग अप्लाइज आउट ओवर योर व्हेन वी टॉक अबाउट द फंड। भले गवर्नमेंट फंड इन्वेस्ट कर रहा है कोई पीएसयू में, गवर्नमेंट कोई फंड इन्वेस्ट कर रहा है कोई डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ने पैसा लगवाया है कोई स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को चलाने के लिए, बट ये पैसा है पब्लिक का, ये पैसा है पब्लिक का। तो ये जब भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, सो फ्रेंकली स्पीकिंग हम लोगों ने ये कंपनीज में, इस कॉर्पोरेशन में, इस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, किसने? गवर्नमेंट ने। बट ये पैसा है किसका? पब्लिक का। तो यहाँ पे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिट कर रहा है इनके बारे में कि बॉस आपने जो पब्लिक का पैसा यूज किया है ये सही तरीके से तो खर्च किया है ना, प्रोप्राइटी तो है ना, जैसे खुद का पैसा यूज करते वैसा तो है ना, कौन से प्रोजेक्ट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया? ये आपने मिड डे मील प्रोग्राम बनाया, ये आपने वुमेन्स की सेफ्टी के लिए कोई प्रोग्राम या स्कीम निकाली, ये आपने बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के लिए इन्वेंट्री या फिर राशन, ये सारा चीज आपने किया देश के लिए। ये प्रोग्राम बनाने के बाद वेदर दैट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, स्कीम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अप्रोप्रिएटली, ये सब कुछ को ऑडिट करना इज कवर्ड अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे खाली फोकस नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कई प्रकार के ऑडिट हो रहे हैं मैम। जैसे कि हम लोग ऑडिट कर सकते हैं रेवेन्यू ऑडिट, कि ऑडिट सॉरी कि गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन के नाम पे पैसा मिल रहा है, पेनल्टीज फाइंस के नाम पे पैसा मिल रहा है, ये प्रॉपर कलेक्टेड है कि नहीं, कोई चैनलाइजिंग लीकेजेस तो नहीं है ना। हो सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई बड़े इंसान के साथ मिल करके बोल दे, ये है हमारा मिस्टर रिची रिच, रिच रिच के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। अब पैसा है तो टैक्स भी लगेगा। सो रिच रिच भाई साहब गए हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और इनकम टैक्स ऑफिसर को कहा, सर सुनिए हमारा टैक्स बनता है 2,000 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट को देने से हमको क्या फायदा, गवर्नमेंट को देने से आपको क्या फायदा, एक काम करते हम ये पैसा थोड़ा सा आपस में मांडवली कर लेते, इसमें से 5-6 करोड़ मैं आपको दे देता हूँ, आपको कुछ हायर अथॉरिटी को देने के लिए, चलो कुल मिला करके 10 करोड़ दे देता हूँ, तो आप और हायर अथॉरिटी इसमें खुश हो जाओ, बैलेंस का मेरा भी पैसा बच जाएगा, आपका भी पैसा आपके जेब में आ जाएगा, गवर्नमेंट को देने से वैसे भी कौन सी फैसिलिटीज हमको मिल जा रही। अब ये जो सामने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर था ना, वो मान गया, मतलब कि ठीक है चलो डन। सो दिस इज रेवेन्यू लीकेजेस, गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए था सो दैट द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट कुड हैव बीन डन, बट यहाँ पे रेवेन्यू लीकेज हो गया, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑडिट जो कैग करते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू ऑडिट। और क्या क्या ऑडिट कर सकते हैं मैम? रेवेन्यू ऑडिट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर को ऑडिट कर सकते हैं। अभी एक्सपेंडिचर के ऑडिट में काफी सारी चीजें, एक्सपेंडिचर के ऑडिट में RSP3, P1, P2, P3। सबसे पहला एक्सपेंडिचर इज एज पर रूल एंड ऑर्डर, दूसरा एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है सो ऑडिट ऑफ सैंक्शन, सैंक्शनिंग के हिसाब से ही एक्सपेंडिचर हुआ है ना, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने सैंक्शनिंग दिया है ना कि ठीक है चंद्रयान 2 स्टार्ट करना, आपको 8,000 करोड़ रुपए हम देंगे, सो दैट इज अप्रोप्रिएट सैंक्शन। ऑडिट ऑफ प्रोविजनिंग, व्हाट इज ऑडिट ऑफ प्रोविजनिंग? देखिए जब भी हम खर्चा करते हैं ना, तो खर्चा करने के लिए अप्रोप्रिएट प्रोविजन बना करके रखते हैं, घर पे भी हम लोग बजट बना करके रखते हैं, एक अपर लिमिट डिसाइड करके रखते हैं कि इतना मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है या फिर ये काम करना है या फिर ये ऐसा लेकर के आना है, तो अपर लिमिट इज 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो ये जो प्रोविजनिंग करके रखा है, एक्सपेंडिचर को मैच कर लो कि यार ये एक्सपेंडिचर इज एज पर द प्रोविजन विच वी मेड, ओवर बजटिंग तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज, आपको ये समझ ही गया होगा, प्रोप्राइटी। What is propriety? Propriety is wiseness. हम लोग कहते हैं propriety का मतलब ये होता है in order to bring out the circumstances of IAI, circumstances where the expenditure is improper, the expenditure is avoidable, or the expenditure is infructuous, not fruitful.
दैट इज प्रोप्राइटी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट परफॉर्मेंस ऑडिट. सो एक्सपेंडिचर में हम लोग एक परफॉर्मेंस ऑडिट भी करते हैं. देखो कई बार होता है वेर इन यू इन्वेस्ट योर मनी, वेर इन यू लाइक यू नो वॉन्टेड टू इनिशिएट अ प्रोजेक्ट, बट ये पूरा संक कॉस्ट है. यहाँ पे परफॉर्मेंस जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा है ही नहीं. कोई भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोई भी हम लोगों ने हेल्थ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एजुकेशन का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. सो वेदर दिस पीएसपी, व्हाट इज पीएसपी, प्रोजेक्ट स्कीम और प्रोग्राम, दे आर रनिंग इफेक्टिवली इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली, इन चीजों को ऑडिट कर कि जब भी खर्चा हो ना तो खर्चे में हमारे पास पांच चीजें होती है पढ़ने के लिए. सो ऑडिट ऑफ रेवेन्यू कर सकते हैं, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. एक्सपेंडिचर में दैट इज RSP3. एक्सपेंडिचर इज एज पर रूल एंड ऑर्डर, सैंक्शन, प्रोविजनिंग, प्रोप्राइटी, परफॉर्मेंस. ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल कंसेप्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट इज नथिंग बट अगेन जैसे हम लोग नॉर्मल कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे, वैसे कैग इज गोइंग टू कमेंट ओवर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दैट यूनिट. कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज होल टुगेदर एवरीथिंग. कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज अ बड़ा भाई और परफॉर्मेंस ऑडिट. ठीक है, सो यहाँ पे इट इज ओवरऑल सब कुछ, परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एवरीथिंग गवर्न इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. सो मेजर मेजर इस चैप्टर में हमको यही सारा चीज पढ़ना है कि ऑडिट कौन करें, किस हिसाब से करें, क्या ऑडिट हो, रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन. इसके अलावा देर आर फ्यू कमिटीज जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. तो कमिटीज क्या होती है, देखो कमिटीज का मतलब होता है एक अकेला कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मे नॉट बी एबल टू टेक अप दैट लीड कि सारा का सारा काम मैं ही करूं, नहीं होगा ऐसे. सो फॉर दैट रीजन देर आर सर्टन कमिटीज जो पैट, कोपू, एस्टिमेशन कमिटी, जो पब्लिक यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड एस्टिमेशन, ये अलग अलग काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए करके रखती हैं. पब्लिक डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास होता है पैट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए हमारे पास होता है कोपू, एंड ओवरऑल होता है एस्टिमेशन कमिटी विच एस्टिमेट्स अबाउट पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए, फोरकास्ट, बजट्स बनाना, ये सारा एस्टिमेशन कमेटी करता है. सो खाली अकेला कैग शायद इनाफ, ऑब्वियसली ना कैग जो इंडिविजुअल पर्सन है वो इनाफ नहीं रहेगा टू परफॉर्म ऑल दीज वर्क. तो हम लोग इन सारी कमिटीज का एब्सोल्युटली इन सारे कमिटीज का हेल्प लेते हैं एंड देन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल्स, कंपाइल करते हैं, सबमिट करते हैं रिपोर्ट एंड कैग इसको फर्दर ले डाउन करता है इन फ्रंट ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. This was a मोटा briefing. एक छोटा सा question, who is the current CAG of India? It is Girish Marmuji. ठीक है, Girish Chandra Marmu, GC Marmuji is the current CAG of India. So एक छोटा सा homework रहेगा मेरा आपके लिए. CAG की website है, ठीक है. So just इतना introduction पढ़ने के बाद Google the website CAG. ठीक है, cag.in पे जाओगे ना, यू विल ऐसे फर्स्ट ही पेज पे आपको काफी सारी चीजें मिलेगी जहां पे परफॉर्मेंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ये सारी ऑडिट्स उन्होंने करके रखी. सो व्हाट इज माय गोल, ये आज का इंट्रोडक्शन है. जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर एंड के बाद इवन आई विल मेक यू सी दैट वेबसाइट्स. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड हाउ प्रैक्टिकली दीज थिंग्स आर फ्लोइंग. तो जब भी मैं आपको लेकर के जाऊँ वेबसाइट पे, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज हो. इसके लिए आज आप ये होमवर्क करिएगा, दैट इज कैग का वेबसाइट एक बार ओपन करके देखिएगा कि गिरीश मर्मू जी की फोटो दिखेगी आपको वहाँ पे. गिरीश मर्मू जी का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखेगा आपको कि इनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो पहले क्या थे, गवर्नमेंट को कितनी बार असिस्ट कर चुके हैं. तो ये सारा चीज आपको दिखेगा. दैट इज द ओवरऑल ब्रीफ अबाउट दिस चैप्टर ऑडिट ऑफ PSUs. समझ में आता है? पक्का श्योर? So, PSU audit includes government departments, managed undertaking, railway, postal services, securities, canteen, government companies as defined under section 245,
कॉर्पोरेशन सच एज LIC, UTI एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मैंने आपको कहा स्कोप काफी सारी ऑडिट होती है यहाँ पे, परफॉर्मेंस ऑडिट। दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू जहां जहां परफॉर्मेंस ऑडिट आता है ना वहां पे हमको आंसर लेकर के आना है E3। व्हाट इज E3? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी ऑफ दैट PSP, प्रोजेक्ट, स्कीम और प्रोग्राम। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटी ऑडिट। दिस इज द एग्जामिनेशन के जो भी खर्चा हुआ है इट इज इन कंफर्मिटी विथ प्रोप्राइटी प्रिंसिपल, जैसे आप आपके खुद का पैसा यूज करते हैं वैसा। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, तो मैंने आपको बोला था दिस इज बड़ा भाई ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, इट इज एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फॉर मनी पे टारगेट करते हैं। मैम कैसे करेंगे वो मैं आगे समझाऊंगी आप। ऑल्सो वी टेक इन टू कंसिडरेशन द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन वेदर दे आर, ये था ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, वेदर दीज डिसीजन आर एज पर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जो भी डिसीजन लिए हैं आर अप्रोप्रिएटली सैंक्शन और नॉट। Why this PSU audit? Because it helps the government in taking up the decisions, in improvising the effectiveness and the efficiency. Accountability create ho jayegi. Next is efficient and economic operation. See, yahan pe hum log chahte hain ki financial audit bhi perform ho. Ye maine aapko kaha tha. So financial performance is also very much needed. Aapka paisa utility mein aa raha hai, to financial audit karo. Accountability maintain karo. Next is, it will also take into the consideration in the aspects of fiscal and managerial accountability in the broader context. So, government audit has two main elements. Pehla, fiscal accountability. What is fiscal accountability? Humko har bar, whenever you see BOP, Balance of Payment of India, aapko dikhega, there is always a shortage. Hum hamesha ye kehte rahe the, there is a fiscal deficit. So, that is fiscal accountability. Where the finance is going, how short we are running, कितना कम है पैसा हमारे पास, देखो funds are appropriately sanctioned, compliances of laws and regulations, propriety and managerial accountability. इसमें ना सबसे best एक ऐसा नायक movie का scene है यहाँ पे। इस नायक movie के scene में ना वो अमरीश पुरी जी बैठे हैं वहाँ पे and अपने सारे ministers को कहते हैं, और एक minister होता है revenue minister, के revenue एक दिन का सेल्स टैक्स कलेक्ट करके कितना कमा लेते हैं हम लोग, बोलते हैं कौन, देश या हम, ऐसे कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट जैसे ऐसे एक सीन है वहां पे एंड बोलते हैं कि अरे खुद की कमाई नहीं रे, देश की कमाई। दैट इज मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, कि यार एक पर्सन को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप देश का पैसा यूज करो, सो बॉस ये किस हिसाब से हो रहा है, वेदर द थिंग्स आर मैनेज्ड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, that is managerial accountability. Okay, so that is a scope and the objective of this chapter. Next, basic elements of PSU audit. There are three elements of PSU audit. Pehla hai parties, dusra hai information matters and teesra hai types of engagement. Parties mein teen parties aati hain. Ek hota hai auditor, jo audit karega of the financial information. दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यह है मैनेजमेंट, जो लोग प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन एज पर द गिवन क्राइटेरिया, किस हिसाब से होना चाहिए। एंड लास्ट है आप लोग, दैट इज इंटेंडेड यूजर्स, जिनका पैसा पब्लिक का पैसे के नाम पे यूज हो रहा है। मैटर्स में हमारे पास है तीन मैटर्स गाइस, एक है सब्जेक्ट मैटर जिसको आप चेक कर रहे हो, एक ऐसा इवेंट, कंडीशन, ट्रांजेक्शन। दूसरा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब जैसे इतना समझो AFRF जैसा, कि किस हिसाब से सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करना, दैट इज क्राइटेरिया। सो दीज आर द बेंचमार्क्स, दीज आर द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल, जिस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करना होता है। एंड तीसरा है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन? सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है व्हाट इज द आउटकम। हम लोग कहते हैं ना कि यस PPE is valued as per Ind AS 10. Okay. PPE is not as per Ind AS 10. That is the outcome. That is subject matter ka information. So, teen cheeze hai. Subject matter jo check kar rahe ho. Criteria jiske hisab se check karna hota hai. Subject matter information is the output. Outcome of evaluation. Measuring the subject criteria against the criteria. Next is
यहाँ पे दो लाइन आ चुकी है, सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, एक है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट और दूसरा है असिस्टेंस अटेस्टेशन एंगेजमेंट। देखो फर्स्ट थिंग, क्या मैं आपको ये कह सकती हूँ कि रिस्पेक्टेड ऑडिटर आप आइए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दीजिए, दिस इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट। मेरे को ओपिनियन नहीं चाहिए, मैंने आपको कहा सर आप आइए और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करके दीजिए ना, वी आवर सेल्फ आर रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज, हमारे अकाउंटेंट को कोई अते पते नहीं है, दैट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। सो इन अटेस्टेशन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट विल मेजर द सब्जेक्ट मैटर एज अगेंस्ट द क्राइटेरिया, वो खुद ही मेजर करेंगे क्राइटेरिया के अगेंस्ट के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे सब्जेक्ट मैटर। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इस पे एविडेंसेस गैदर करेगा और अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा, अटेस्टेशन नॉर्मल ऑडिट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग मतलब यू बीइंग द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट द प्रोफेशनल, यू योरसेल्फ विल मेजर द सब्जेक्ट मैटर, आप खुद बोलोगे कि सर इसको ना ऐसे मेजर मत करो, नहीं नहीं सर ये इन्वेंट्री गलत है मैं बताता हूँ आपको कैसे करें, यू योरसेल्फ विल मेजर एंड इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर एज अगेंस्ट द क्राइटेरिया, दिस इज अ काइंड ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट, इसके ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस है गाइस, एंड ये बहुत बार पहले आरटीपी में आ चुका है, उसके बाद कभी भी उसका क्वेश्चन नहीं आया। दिस अ वेरी इजी और द बेसिक कंसेप्ट, बट थोड़ी बहुत चांस कि एमसीक्यू में पूछा जाए। नेक्स्ट, What are the principles of PSU audit? So, सबसे पहला चीज जो हम लोग यूजुअली पढ़ करके रखते हैं, there are some general principles and the principles which are related to audit process. General principle का क्या मतलब होता है? Understand the PSU, nature of PSU, amount which is invested, ethics, communication, quality, materiality. जो initial engagement वाला काम था ना, these are the general principle. के audit risk was understand कर लो, audit team management, being alert, judgment. Quality, communication, ethics, independence, materiality. Next, there are principles relating to audit process. That is planning, execution, reporting. Planning mein, we establish the terms. We understand the entity. We identify and assess the risk. Standards pad liye hai, to uske baad ye wala concept will go very easy. Ye nothing but 3 and 5. Developing the plan. Then you execute the प्रोग्राम प्रोसीजर्स, ऐसे 500 के हिसाब से एविडेंसेस ऑब्टेन करो, ड्रॉ कंक्लूजन, प्रिपेयर द रिपोर्ट, दिस इज 700 सेल्स। मैम अगर ये पीएसयू ऑडिट ना होता, कोई दूसरा ऑडिट होता, तो फिर भी हमारा प्रिंसिपल्स रिमेन्स द सेम, ठीक है? नेक्स्ट, ये आज का आपका होमवर्क है, पूछो क्यों, क्योंकि दिस इज नथिंग बट पावर ऑफ कैग इन गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे पूरे जो प्रोविजन है ना, सेक्शन नंबर 143 और 139 के प्रोविजन आपको रिकॉल करने हैं, आज आपको ये चीज जस्ट रीड करनी है। फर्स्ट ऑडिटर, सबसिक्वेंट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट, कॉमेंट ओवर द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर, ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के मतलब कंपनी ऑडिट के गवर्नमेंट ऑडिट के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज का आपका ये होमवर्क रहेगा, DAI रिपोर्ट करना 143 के हिसाब से, सप्लीमेंट्री 143 के हिसाब से सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाना, टेस्ट ऑडिट करवाना। ऑर्गेनाइजेशंस ऑडिटेड बाय कैग, दे आर यूनियन टेरिटरीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कमर्शियल एंटिटीज, नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडी and the authorities which are substantially financed by union or state revenues. Point number 6, recap karte hai, okay? 5 tak already ho chuka hai, thoda homework wali baatein ho chuki thi. 6 recap karte hai, yahan se shuru karte hai.
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशंस ऑडिटेड बाय कैग. मतलब स्टार्टिंग में यू रिमेम्बर मैंने क्लास, मतलब जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि डिपार्टमेंट्स, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज आर बीइंग ऑडिटेड बाय कैग. अब इसके अलावा और कुछ चीजें होती है क्या विच आर ऑडिटेड बाय कैग? हाँ जी समझिए, देखिए जहां पे भी हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है ना, द मेन मंत्र इज पैसा. ये पैसा की पोटली, गवर्नमेंट का पैसा मतलब यूनियन या स्टेट का पैसा जहां जहां लगा होता है उस एंटिटी का ऑपरेशंस कैसे चल रहा है, उस एंटिटीज का फ्रेमवर्क कैसे चल रहा है. देखो हो सकता है वेयर द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, इन सभी लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डाला, ऐसी बॉडी या कोई अथॉरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया एंड ये उनकी खुद की पर्सनल फायदे वाली हो, पर्सनल बेनिफिट वाली हो, पर्सनल बेनिफिट, तो हम लोग क्या कहते हैं कि एनी बा विच इज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बा, विच इज अ सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बा, अगर ये बा में सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग हुआ है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड, विच इज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया. तो ऐसी बा मतलब ऐसी बॉडी या अथॉरिटी, इनका भी ऑडिट मतलब हमारा कैग करेगा. You understanding this? Now, there is a big question, ma'am. Substantially financed का क्या मतलब होता है? Consolidated Fund of India का क्या मतलब होता है? I'll make you all understand. Substantially financed का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे करीब करीब minimum minimum 25 लाख रुपए, कितना? 25 लाख रुपीस is financed from Consolidated Fund of India. And ये 25 लाख कोई छोटा मोटा amount नहीं है. Minimum minimum 75% of the total expenditure is covered by this substantial financing. 75% of the total expenditure. So, aise financing ko hum kehte hai substantial financing. So, repeat. So, if at all any body or authority, any ba, is a substantially financed ba, what is the meaning of the word substantially financed? मेजर अमाउंट उनका खर्चा निकालने के लिए गवर्नमेंट दे रहा है. ये सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग कहां से हुआ है? ये सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग हुआ है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ वेट, व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? ये तारा नंबर एक तारा जमीन पर, तारा नंबर दो तारा जमीन पर. ये वाला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है द फंड विच आर ऑफ यूनियन, स्टेट और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. ठीक है, यूनियन का पैसा जहां पे कंसोलिडेटेड फंड का मतलब देश का पैसा, ऐसा समझ लो देश का पैसों में से हम लोगों ने फंडिंग दिया है. यूनियन, स्टेट और लेजिस्लेटिव. ठीक है, जहां पे जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली हो. इसका एक चार्ट मैं आपको अभी बना करके दे रही हूँ, यू डोंट कॉपी दिस डाउन, अच्छे से बनाया हुआ है मैंने. जस्ट अ मिनट, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में वी कंसिडर द एक्सपेंडिचर और द रिसीट्स ऑफ एनी बा विच इज अ सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बा इन द फॉर्म ऑफ. देखो सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग कैसे होता है? सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग ऐसा नहीं होता कि चलो ये पैसा लेकर के जाओ. इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन और द ग्रांट्स गिवन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो कॉपी दिस डाउन. The last point out over here, जहां पे हम लोग कहते हैं in your this thing, सार, पहला ब्लॉक क्या कहते हैं? All union or the state governments, इसके जो departments है, will be audited by CAG. फिर हम लोग कहते हैं public commercial enterprises which are controlled by union or the state government will be audited by CAG. Non-commercial autonomous body as well as जैसे हम लोग कहते हैं ना bodies or authority which are controlled by union or state,
The last point, bodies or authority, again ba, which is a substantially financed ba. Now, what is the meaning of the word substantially financed? उन्होंने ये चीज़ दे दिया है. Now, this can be tested as your MCQ. Substantially financed का मतलब होता है amount which is not less than 25 lakh, that is more than equals to expenditure, total expenditure का at least 75% is financed by the Consolidated Fund of India. So, what is Consolidated Fund of India? And each states, each union territory having legislative assembly. ठीक है, this can be tested as your MCQ. Please mark it important. I hope ये copy हो चुका है. अब हम लोग चलते हैं आगे. तो all these organizations are being audited by CAG. Which kind of audit are being conducted by CAG? ये पढ़ते हैं. सबसे पहला आता है financial audit. The financial audit is expressing an opinion on the financial statements, the normal one. In the previous very just part, मैंने आपको compliance audit of rule and order, performance audit, ये सारा चीज बताया था RSP3. जब भी हम लोग expenditure को audit करते हैं तो we see the perspective के performance कैसा चल रहा है, we actually see evaluate के proprietary है कि नहीं है. So yeah. So how to perform the performance audit? यहाँ पे ना एक very beautiful concept I want to make you all understand. इसी परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब होता है टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ पीएसपी, एज आई टोल्ड यू द एक्टिविटी द प्रोग्राम द स्कीम द प्रोजेक्ट. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एफिशिएंसी है कि नहीं, इफेक्टिवनेस जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक है कि नहीं, लाइक सस्ता में हो रहा है कि नहीं. सो व्हेनेवर वी आर मेकिंग अप अ प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट वी हैव टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. इससे ज्यादा है, 9 स्टेप्स है टोटली. ठीक है, सो ईच एंड एवरी स्टेप इज अ इंडिविजुअल रिटेल क्वेश्चन. Individual retail question. Ma'am, how? Samjho. They can ask you a question on ke you being a practicing chartered accountant, you are performing the performance audit of falana falana government organization. Now you want to plan around in order to understand, in order to make yourself understand what is the entity and the program doing. तो आप क्या करोगे, तो उसके बारे में एक रिटेल क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. ऐसा ही एक रीसेंट एग्जाम क्वेश्चन आया था कि हाउ डू यू डिटरमाइन द ऑडिट क्राइटेरिया. ठीक है, तो चलो लेट मी मेक यू ऑल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, देन वी विल गो इनटू द बुक्स एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल. पॉइंट नंबर 1, जब भी हम लोग एनी ऑडिट, कोई भी ऑडिट परफॉर्म करने का सोचते हैं, प्लान करने का सोचते हैं, तो सबसे पहला थिंग हमारे दिमाग में आता है उस एंटिटी को समझो, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोग्राम के लिए स्थापना करने के पीछे का कारण क्या था, ये सोच लो. जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, इन द प्रीवियस वेरी सेशन आई एक्चुअली रिक्वेस्टेड यू टू गो थ्रू द कैग साइट, है ना, द कैग ऑफ इंडिया वाला साइट. आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट, इफ नॉट तो फिर भी ठीक है, मैं आज प्रैक्टिकली आपको बताने वाली हूँ. तो सबसे पहला 108 के बारे में बात करते हैं. मोदी जी ने वो 108 ऐसा वाला कुछ किया है कि 108 पे कॉल कीजिए एम्बुलेंस आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो अ प्लान. ये जो प्रोग्राम या ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसे स्थापित हो रहा है, whether that is running effectively, how many people are getting benefited, what was the cost incurred. So ye sara cheez pehle understand kar lijiye, then you define the objective and scope ki what is the scope of performing this performance audit. Ye project ke liye, jaise ki irrigation ka koi project chal raha hai, jaise ki Rajasthan mein koi soil irrigation ka plan chal raha hai ki area bahut zyada hai बट बंजर जमीन है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो चलो प्रोजेक्ट या स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं कि वहां पे कुछ भला हो जाए. कोई ऐसी स्कीम हम लोग एक्सपोर्टर्स को देते हैं जिससे देश का भी भला हो जाए. सो ये सारा जो प्लान्स लेकर के आता है गवर्नमेंट, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा हमारा स्कोप और ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन करना पड़ेगा क्राइटेरिया. अब देखो क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है. अगर मैं फाइनेंशियल ऑडिट कर रही हूँ तो हमें इतना पता है फाइनेंशियल ऑडिट दैट इज अ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी मैच्ड विद AFRF, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AFRF डन थ्रू. बट अगर मैं प्रोजेक्ट प्रोग्राम स्कीम एक्टिविटी इनको ऑडिट कर रही हूँ तो हर बार मेरा ऑडिट क्राइटेरिया विल हैव टू बी डिफरेंट. ऑडिट क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा, जैसे कि अगर मैंने ये जो 108 वाली स्कीम का बात बताया, वुमेन सेफ्टी के बारे में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, डिफेंस के लिए कोई प्रोजेक्ट या प्लान आ रहा है, एक्सपोर्ट के लिए कोई नई एक्टिविटी इन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड का जैसे इन लोगों ने स्टार्ट किया था लिंकेज दिस एंड दैट, ना ये सारे चीजों के लिए द क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट. वॉट वॉज अज्यूम, वॉट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी द क्राइटेरिया. ठीक है, सो इसके बारे में पढ़ना. नाउ डिसाइडिंग द अप्रोच के कैसे आप ऑडिट करेंगे, डेवलपिंग द डिटेल्ड क्वेश्चनेयर. ठीक है, क्वेश्चनेयर बनाओ कि कब ये स्कीम लागू हुई थी, कितना खर्चा सैंक्शन हुआ था,
हु इज द वन हु इज देयर इम्प्लीमेंटिंग, सुपरविजन कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, कितने जन बेनिफिट हुए हैं, जो जो जन बेनिफिट हो रहे हैं उनको उनके पास जाकर के बोलो सर कितने टाइम में सर्विसेज अवेलेबल हुई थी, डू यू थिंक दिस इज वर्थ इट, डू यू थिंक एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज स्टिल आर लैकिंग, और कुछ करने की गुंजाइश है क्या, सम बेटरमेंट, कुछ फीडबैक ले लो. सो ये क्वेश्चनेयर डेवलप कर लो, असेसिंग द टीम के बॉस जो स्किल और एक्सपर्टाइज होना चाहिए ऐसा टीम ये कर लीजिए. डिजाइनिंग द एडीएम, व्हाट इज एडीएम, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, आपको ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन जो आपने पूछा उसके सामने क्राइटेरिया क्या था, आपको एविडेंसेस क्या मिला एंड व्हाट आर द डेटाबेसेस कलेक्टेड, एस्टैब्लिशिंग द टाइम टेबल, एस्टैब्लिशिंग द रिसोर्सेज कि ठीक है मेरे पास इतना टाइम है, इतने टीम है, कैसे कैसे काम करेंगे, एंड देन शुरू कर दीजिए आपका ऑडिट प्रोग्राम. ठीक है, दिस इज अ 9-step प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर. चलो नाउ लेट मी जस्ट मेक यू गो थ्रू. If at all you are having ICAI ka study mat, please take out your study mats. Yes. Study mats mein establishing on page number 13.18. परफॉर्मेंस ऑडिट. हाउ डू यू अंडरस्टैंड द एंटिटी और प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन ले लो, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पास्ट ऑडिट्स, मीडिया कवरेज, ये सबके हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे प्रोग्राम क्या था. डिसाइडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, आपको स्टार्टिंग में ही इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर यू विल डिसाइड कि व्हाट इज द स्कोप एंड व्हाट योर ऑडिट कंक्लूजन अफेक्ट्स. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सी में देखो, इसको मार्क करिएगा, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. ये पॉइंट जो है 6 के 6 पॉइंट्स यू नीड टू राइट इट इन योर ऑडिट्स आर डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया. सो ऑडिट क्राइटेरिया मे बी सॉर्टेड टू ऑब्टेन द फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज. मैम कैसा पता चलेगा कि क्या है ऑडिट क्राइटेरिया? पहला, प्रोसीजर मैनुअल ऑफ द एंटिटी, policy standards, directives, guidelines, criteria which are used by the same kind of entity in the similar programs, independent experts, new or established scientific knowledge or the general management subject to some literature, some research paper. इससे तुमको पता चलेगा कि कैसा ये plan, program, entity operate करना चाहिए था and कैसा ये operate कर रहा है. That is audit criteria. This is already a past examination question. How the audit criteria are set. Chal, fatafat copy this down. Next, deciding upon the audit approach. So after writing, I hope this is done. Mark it as a past examination question. Very brilliant. Itna hidden hai ye ki question agar pucha bhi jayega na ki how will you decide audit criteria, to click nahi hoga ki ye kahan ka question. Theek hai, chalo audit criteria hamesha se samajh lo. Audit criteria is something jiske basis pe aap audit kare, jiske basis pe aap kuch cheezon ko evaluate kare. Next, deciding on the audit approach. How will you do audit? Audit approach कैसा होता है? तो सबसे पहला analyze your procedures. Audit approach कैसा रखे? Case studies थोड़ा सा learn by heart कर लीजिए. Understand कि case study by heart का मतलब होता है पिछला जो events हुआ है, कुछ ऐसे entities को audit already आपने करके रखा है, उसको analyze कर लीजिए, थोड़ा recall कर लीजिए criteria. Using the existing data, survey कर लीजिए, analyzing the results and quantitative analysis कर लीजिए. See, everything boils down to numbers. Whenever I talk about you are studying very hard, bahut padhai kar rahe ho, but the thing is what comes in your result. Everything boils down to numbers. Agar numbers, the factual presentation, if at all the number replicates, the indicators are there that yes, your performance KPIs jise hum log kehte hain, the key performance indicator, your performance is absolutely good, that is how the final audit will be. Analysis of the procedures, ये जो सारा हम लोगों ने कहा, ये सारा 5 चीजें हैं, ये आज आपको just read करना है.
सर्वे एनालिसिस, डेवलपिंग द क्वेश्चनेयर कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड आस्क द टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग दिस प्रोजेक्ट, असेसिंग द टीम का स्किल्स एक्सपर्टाइज, इफ एट ऑल यू फील कि दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी क्रूशियल प्रोजेक्ट, कोई डिफेंस के रिगार्ड में है, ये एंटिटी का ऑपरेशन इज वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा लाइक यू नो इम्पैक्टफुल आपका प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है, तो उस चीज के लिए हैव अ डाइवर्सिफाई रेंज का सब्जेक्ट नॉलेज वाला टीम. ठीक है, तो टीम नीड्स टू डेवलप द साउंड अंडरस्टैंडिंग कि प्रोजेक्ट किस चीज का है, किस हिसाब से काम करेगा, ये एंटिटी का ऑपरेशन किस चीज के लिए है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी नॉलेज, उसको टीम में रखकर के हम करेंगे भी क्या. सो दैट इज डेवलपिंग द टीम, मेक देम अंडरस्टैंड द नॉलेज, गिव देम द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ट्रेनिंग. डिजाइनिंग ADM और डिजाइन मैट्रिक्स, establishing the resources, competent authority के पास से हम लोग actual time कितना लगना है. See, resources के नाम पे ना हमारे पास हर बार ये चीज होती है कि समय is a major resources which we possess when we are auditing any entity. तो सबसे पहले decide upon the actual time which will be required. The second thing obviously money and the team जिसके पास appropriate दिमाग. So that is my resources. Then you start initiating the audit program to audit that entity. Done. So this is how hum log kya bolte hain, performance audit can be planned. Now I'm taking you through some practical websites. CAG ke website ke bare mein baat karte hain, jitna bhi padhana just 2 minute mein aapko practically ye cheez samajh jayega na, to by heart karne mein dikkat nahi hogi. So I'll take you practically through the CAG ka website. CAG ke website mein I'll make you all understand ki theek hai proprietary kahan hota hai, performance kahan hota hai, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसा होता है. चलो पहले ये देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते. होम पेज पे ना आपको सबसे स्टार्टिंग में देखो, मैंने आपको कल बोलकर मतलब इन द प्रीवियस सेशन बोल करके रखा था, द करंट कैग ऑफ इंडिया इज गिरीश मर्मू जी. तो देखिए गिरीश मर्मू जी वाला सारा सारा चीजें यहाँ पे उन्होंने जस्ट होम पेज पे देख करके रखा है. द थर्ड टैब अबाउट अस के बाजू में आवर ऑफिस एंड ऑडिट रिपोर्ट्स यू विल बी एबल टू सी. ऑडिट रिपोर्ट्स देखो, यूनियन रिपोर्ट, स्टेट रिपोर्ट, लोकल बॉडीज रिपोर्ट, कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. क्लिक परफॉर्मेंस. अभी देखो परफॉर्मेंस ऑडिट, एज आई टोल्ड यू परफॉर्मेंस ऑडिट इज फॉर वेरियस वेरियस प्रोजेक्ट. तो सबसे पहला देखो एक 22 मार्च का एक रिपोर्ट है हरियाणा का, परफॉर्मेंस ऑफ एफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. लोकल बॉडी का सेक्टर है ये. उसके नीचे देखो परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब इफ इट ऑल आई ओपन दैट परफॉर्मेंस ऑडिट का डेट, रिपोर्ट, ये सारा चीज मिलेगा. यस, ओपन दैट रिपोर्ट पीडीएफ वाला. सबसे पहला देखो रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, फंक्शनिंग ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार वाला. अभी मैंने आपको अभी पहले ही बोला था एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया आधार के साथ लिंक करवाना, आपका पैन चलाना. तो ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है नाउ बायोमेट्रिक आपका आइडेंटिफिकेशन हर जगह पे हो जाएगा. तो दिस इज अ प्रोग्राम विच दे लॉन्च. इसके ऊपर का रिपोर्ट है कि हम लोगों ने ये जो आधार लॉन्च किया था, आधार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया था, हाउ वेल दिस इज वर्किंग. तो इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने देकर के रखा. 108 पेज का रिपोर्ट है. दे हैव गिवन एवरीथिंग. सो कंटेंट में यू विल सी एवरीथिंग. एग्जीक्यूशनल समरी आता है, UIDAI अथॉरिटी पावर्स क्या था, किसने सेट किया, व्हाट इज द स्कोप, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट मेथडोलॉजी. ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 2 में देखो स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट मेथडोलॉजी. स्टार्टिंग में उन्होंने बैकग्राउंड देकर के रखा है. ये सारा है बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव समरी क्या है, उसके बाद हमारे ऑडिट का स्कोप क्या है, हमारे ऑडिट का मेथडोलॉजी क्या है, हाउ वेल वी नो द बॉटलनेक्स कंस्ट्रेंट, उसके बाद हम लोगों ने ऑडिट करना शुरू किया, फिर उनका जो फाइंडिंग्स एंड द रिजल्ट्स. ठीक है, सो ये जो ऑडिट क्राइटेरिया मैं बोल रही थी, जिस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि हमारे ये रिपोर्ट्स का भी जब मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगी कि रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या चीज लिखते हैं, तो ऐसी एग्जीक्यूटिव समरीज वगैरह हम लोग लिखते हैं. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंकली स्पीकिंग. थियोरटिकली जब भी बच्चे पढ़ते हैं ना ये सारा चीज बोर लगता है, बट आप प्रैक्टिकली जब भी ये देखो चैप्टर नंबर 2 इन दिस रिपोर्ट इज स्कोप ऑफ ऑडिट. गो टू चैप्टर पेज नंबर 7.
देखो ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोगों ने यूडी हैज कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, ये सारा चीज हमारा क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव था. क्राइटेरियाज ये देखो, इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज अडॉप्टेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑडिट वर, जो क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोगों ने ऑडिट किया वो क्या थे, कैबिनेट अप्रूवल, इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो, प्रोविजंस, सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स टू दिस रेलिवेंट प्रोग्राम, रेलिवेंट प्रोग्राम अंडर जनरल फाइनेंशियल रूल्स. ये बायहार्ट नहीं करना, दिस इज जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड. आधार रेगुलेशंस, आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशंस, ये सारा हमारा क्या था, क्राइटेरिया. इसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, आउटपुट जैसा एक्सपेक्टेड है या नहीं है, इसको ऑडिट किया. सिंपल, ठीक है. एंड गो टू द वेबसाइट, वेबसाइट में यू विल बी, यस गो टू द वेबसाइट, यहाँ पे सारा परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट एंड सारा का सारा ऑडिट रिपोर्ट ना यू विल बी एबल टू सी आउट ओवर ईयर. देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में यू सी यूनियन स्टेट लोकल बॉडीज, जिसका भी ऑडिट आपको करना है, करवाना है, देखना है, यू कैन सी एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. नेक्स्ट, कौन से सेक्टर वाइज, ये हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो हर सेक्टर वाइज आपको पैसा मतलब कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, उसका रिपोर्ट देखने मिलेगा. ऑडिट रिपोर्ट का टाइप, थ्री टाइप्स का ऑडिट रिपोर्ट है, कंप्लायंस, फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस. ईयर, सिलेक्ट द ईयर एंड सिलेक्ट द रिपोर्ट एंड सर्च. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकली आफ्टर योर एग्जाम्स आर डन जस्ट गो थ्रू दिस वेबसाइट इन केस यू वॉन्ट टू मेकअप योर करियर इन गवर्नमेंट ऑडिट. इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव फील्ड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों पैसों के लिए, वेरी अंडरस्टैंडिंग फील्ड, मतलब अगर आपको देश के लिए सच्ची कुछ करने की, कर गुजरने की इच्छा हो, तो दिस इज समथिंग बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर. ठीक है, चल नाउ बैक टू बुक्स. प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, तो दिस इज हाउ जो नाइन स्टेप्स है ना, उसका कोलैबोरेशन उन्होंने दिया है. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, प्रिलिमिनरी सर्वे करना, एक्सेसिंग द स्किल नॉलेज ऑफ द एक्सपर्टाइज टीम, प्रेजेंटिंग, ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, स्कोप ऑफ ऑडिट सेट करना, डिटरमाइन द क्राइटेरियाज, कंसिस्टेंट टू योर ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस ऑब्टेन करना, डिफरेंट मेथड्स के हिसाब से, सैम्पलिंग टेक्निक के हिसाब से एविडेंसेस ऑब्टेन करना, देन यू इम्प्लीमेंट योर प्रोग्राम. परफॉर्मेंस ऑडिट गाइडलाइंस बेसिकली ये क्या है, वेन एवर यू आर कंडक्टिंग एनी परफॉर्मेंस ऑडिट, दे वॉन्ट द ऑडिटर टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट, डिसाइड अपॉन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, वेदर दे नीड एनी एक्सपर्ट का कंसल्टेशन, एनी सर्विसेज ऑफ एन एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड और नॉट, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड. ऑडिट ऑब्जेक्टिव, क्राइटेरियाज, टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस, ये सारा चीज जो हम लोगों ने लिखा ना वही एक एक पॉइंट्स में देख करके रखा है. तो मैम इसको बार 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 क्यों पढ़ना है? क्वेश्चन तीन प्रकार से पूछे जा सकते हैं. पहला, प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट में नौ स्टेप्स लिखने हैं. दूसरा, वो लोग ये कह सकता है कि जब यू आर परफॉर्मिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू, तो उस समय पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो हम कहेंगे ये सारी चीजों. सो आंसर ऑलमोस्ट बीइंग सेम, अगर आप देखने की कोशिश करो, द आंसर इज नॉट मेजरली डिफरेंट, बट पूछने का तरीका अलग हो सकता है. बिकॉज ये पूछने का तरीका अलग हो सकता है, समटाइम्स इट मे हैपन कि आंसर समझ में आते हुए भी, याद रखते हुए भी एग्जामिनेशन में क्लिक ना. सो ये हेडिंग को हाईलाइट कर दीजिए, उनको लिख दीजिए वहां पे एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. डिटेल क्वेश्चन को मैंने आपको लिखाया यहाँ पे भी आप लिख दीजिए एक्सपेक्टेड एग्जाम. असाइनिंग द यूनिट्स असाइनमेंट फॉर द टेस्ट ऑडिट, टाइम जो भी डिफरेंट स्टेज पे है, रिव्यू करना, मिड टाइम रिव्यू करना, सुपरवाइज करना, फील्ड वर्क, फील्ड ऑडिट करना. व्हाट इज फील्ड ऑडिट? हम लोग कहते हैं ना ऑन साइट ऑफ साइट. ऑफ साइट का मतलब होता है हम लोग हमारे ऑफिस में बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपेरेशन करते हैं. ऑन साइट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन एंड देन रिपोर्टिंग शेड्यूल. एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, ये आरटीपी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन. एलिमेंट्स में आती है तीन चीजें, E3, इकोनॉमी, सस्ता सुंदर टिकाऊ, एफिशिएंसी, हाउ साउंड द इनपुट आउटपुट रेशियो इज. लोअर द इनपुट मैक्सिमम, हाईएस्ट द आउटपुट इज अ रिक्वायरमेंट. तो हम लोग कुछ चीजें डिजायर करके चलते हैं कि 10 आवर्स का हमारा अगर इनपुट है,
तो हमको 300 यूनिट्स और सो एंड सो गुड्स मिलने चाहिए. दिस इज द एफिशिएंट लेवल. तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मिनिमम इनपुट से हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, दैट इज एफिशिएंसी. व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है गेटिंग एज डिजायर्ड. As design. So how will we reduce the input and achieve the maximum output? By sound procurement practices, maintaining and protecting the resources, wastages ko kam kare, optimum utilization of resources, best operating processes. कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपने सोच करके रखा है कि मैं 10 आवर्स में 50 पेजेस पढ़ लूंगा ऑडिट के. अगर 10 आवर्स में 50 पेजेस पढ़ लिया, यू आर इफेक्टिव, जैसा सोचा था वैसा मिला. बट यू रेड्यूस्ड योर लाइक यू नो यू रेड्यूस्ड योर अननेसेसरी इंटरवेंशन ऑफ मोबाइल. आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, फोकस बढ़ा दिया, आपने 10 आवर्स में 60 पेजेस पढ़ लिया. दिस इज योर एफिशियंसी. यू अंडरस्टूड हाउ वेल यू शुड मैनेज योर टाइमिंग्स. यू अंडरस्टूड विच टाइम इज बेस्ट फॉर स्टडिंग थ्योरी. You understood which time is best for studying practical subject. You understood the proper blend and then you performed your procedures. That is increasing efficiency. So getting as desired is effective. जैसे सोचा था वैसे मिला, the plan is effective. But जैसे सोचा था इससे कई गुना ज्यादा मिला, that is efficiency, that is smartness. ये कैसे होगा? इन सारी चीजों के basis पे. Programs are well managed, well executed and efficiently conducted. Next, effectiveness, it is achieving the expected output. So you need to check whether the objectives are within the legal frame. इसका मतलब समझो, आज आपको पता है कि आप 10 hours में 50 pages पढ़ सकते हो, आपने target ही रखा है 40 pages का, अरे इतना तो achieve होने ही वाला है. So whenever you are setting up the goals and objectives, you need to understand whether this is in your legal frame, the programs are set to achieve the desired targets, factors inhibiting the satisfactory goals, effectiveness of the individual programs and the components are required to be evaluated. Next is performance audit ke baad comprehensive audit. Wo jo website CAG wali website cag.gov.in tha, usme teen prakar ke reports hai, financial report, comprehensive audit report and performance audit report. So what is comprehensive audit? Comprehensive audit is nothing but bada bhai of performance audit. यहाँ पे भी हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ही बारे में बात करते हैं. सो देर आर सम एरियाज कवर्ड एंड सम इश्यूज विच आर एग्जाम. अभी अभी रिसेंट जनवरी 21 में इश्यूज एग्जामिन का क्वेश्चन आया हुआ था एंड अगेन इसके ऊपर एमसीक्यू भी आया हुआ. आई टेल यू व्हाट हाउ समझो. दे कैन गिव यू एन एग्जाम्पल कि व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इश्यूज एग्जामिन अंडर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. बोलो दे देंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्रेडिट मैनेजमेंट, delegations of MIS and cost control. So which of the following is the issue examined? Cost control. ये नहीं. ठीक है? लिखो यहाँ पे. RTP May 22 का MCQ question है. RTP May 22 MCQ. समझते हैं कि what is the differentiation between areas and issues. Areas का मतलब होता है there are different areas. Different areas जिसको आपको चेक करना होता है. These are not issues. ये starting से ही गलत चीजें नहीं है कि यार यहाँ पे problem हो सकती है. These are the proper areas, broad areas which are covered in your comprehensive audit. Investment decision of that unit, project formulation, delegation of power of MIS, capacity utilization, organization का effectiveness, management of equipments, credit control, cost, price, budget, internal control, etc. ऐसा और एक क्वेश्चन है, मैं आगे समझाऊंगी आपको. हाँ, इश्यूज एग्जामिन में क्या चीज आ सकती है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कौन से इश्यूज है, कैपिटल कॉस्ट कितना लगना है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, कॉस्ट कंट्रोल्स, इन्वेंट्री, R&D, रिपेयर्स, प्लानिंग, वेस्टेजेस, ये सारा चीज कम्स अंडर इश्यूज एग्जाम. ठीक है, आरटीपी के सामने लिखो फॉरेंसिक ऑडिट एंड दिस इज प्रोबेबल एमसीक्यू. ये वाला पार्ट
मैंने ये चीज जो आपको सिखाई ना, अब एक छोटा सा और फॉरेंसिक ऑडिट का पॉइंट सिखा देती हूँ मैं यहाँ पे. सी इन द सेम सिमिलर मैनर फॉरेंसिक ऑडिटर का भी ना दो हिस्सों में चीजें डिवाइडेड है, द स्किल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हम लोग कहते हैं ट्रेट्स एंड एबिलिटी. देखो दो चीजें होती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग एन ऑडिटर, आप में कुछ गुण होने चाहिए कि यार आप ऑडिटर बनने के लायक हो भी या नहीं. ठीक है, ये एक होता है गुण और दूसरा होता है आपका टैलेंट या फिर आपके जो नॉलेज है, क्वालिफिकेशंस है वो. ये दोनों ही चीज, देखो आपके पास खाली नॉलेज है, डिग्री नहीं है, काम करने खाली डिग्री है बट यू आर नॉट साउंड काम करने, तो दोनों ही चीज नीडेड है. सो एमसीक्यू जो आया था वो उसी चीज पे आया था आरटीबी में फॉरेंसिक ऑडिटर के नाम पे, कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है और कौन सी एबिलिटी. ठीक है चलो गोइंग अहेड. प्रोप्राइटी ऑडिट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट. प्रोप्राइटी ऑडिट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग द ट्रांजैक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. व्हाट इज टेस्टिंग द ट्रांजैक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वेदर दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट. यहाँ पे वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ IAI, अवॉइडेबल इम्प्रॉपर इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर, नॉट फ्रूटफुल एक्सपेंडिचर. वी हैव टू टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वी हैव टू ब्रिंग अप द केसेस ऑफ IAI, वी नीड टू. देखो कई बार होता है खर्चा, यू नो योर मम्मा हैज गिवन यू 10,000 rupees के बेटा ठीक है यार यू यूटिलाइज दिस फंड, सो द खर्चा इज अप्रोप्रिएटली सैंक्शन बाय योर मम्मा, बट मम्मी ने 10,000 rupees दिए है, दैट डज नॉट मीन यू विल यूज द होल 10,000 rupees. यू विल थिंक ट्वाइस, यू मे इवन कंपेयर द प्राइजेस. आप जा करके प्राइजेस कंपेयर करोगे, यू विल सी द वर्थ विच यू आर गेटिंग आफ्टर एक्सपेंडिंग दैट 10,000 rupees. मम्मा ने बोला 10,000 rupees खर्च कर लो, उसका मतलब क्या जबरदस्ती खर्च करके आओगे? नहीं, समटाइम्स द एक्सपेंडिचर आर वेल सैंक्शन बट स्टिल कैन बी टर्म्ड एज वेस्टफुल. तो दैट एरियाज द ऑडिटर नीड टू चेक एंड टेस्ट. लुक इन टू द ट्रांजेक्शन विथ विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी. सो एक्टिंग वाइज, खर्चा एक ऐसी चीज है विच विल इन्वॉल्व जजमेंट. खर्चा एक ऐसा एरिया है विच विल इन्वॉल्व अ हाई लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी. आज जो मेरे लिए नॉर्मल खर्चा है शायद आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा, आपके लिए जो बहुत नॉर्मल खर्चा है मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा, क्योंकि एरियाज ऑफ प्रायोरिटाइजेशन मैटर्स. मेरी प्रायोरिटी शायद अलग हो सकती है जिसके लिए मैं खर्चा कर रही हूँ, आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है जिसके लिए आप खर्चा कर रहे हो. हेंस वो लोग कहते हैं कि प्रोप्राइटी ऑडिट परफॉर्म करते वक्त ना बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है. वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व द इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड जजमेंट. ठीक है, तो वी नीड टू चेक फ्रॉम द पब्लिक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. कस्टम जो पब्लिक, कोई ऐसी रीति रिवाज जो पब्लिक एक्सेप्ट करती है, पब्लिकली एक्सेप्ट. सो लुकिंग इनटू द फाइनेंशियल मोरालिटी, व्हाट इज फाइनेंशियल मोरालिटी? देखो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी, जो पब्लिक अलाउ करती है, पब्लिक के हिसाब से मॉरली ये चीज सही है. लुकिंग इनटू विजडम, फेथफुलनेस एंड द इकोनॉमी ऑफ द ट्रांजेक्शन. Now, there is one more area which I want you all to understand this. And I'll just change up the file, make a note of this. Wisdom, faithfulness and economy. Point number 5, just jot it down in your books. Some general principle have been laid for audit code. So, audit karne ke liye, अगर हम लोगों को पूछा जाए कि यार प्रोप्राइटी ऑडिट आपको करना है तो व्हाट आर द जनरल कोड्स, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, वी से कि द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन ओकेजन डिमांड. इफ द करंट ओकेजन डिमांड्स 3,000 crores, डन, फिक्स इट अप. द एक्सपेंडिचर विच इज मेड शुड नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड. नो अथॉरिटी, पॉइंट नंबर 2, हम लोगों को बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव, तो कुछ रूल्स हम लोगों को फ्रेम करके देने चाहिए. हम लोग कहते हैं कि नो अथॉरिटी शुड बी एक्सरसाइज इन सैंक्शनिंग एनी एक्सपेंडिचर टू गेट पर्सनल एडवांटेज. जैसे कि मैंने आपका कोई खर्चा, आप आए मेरे पास और आपने मुझे कहा कि मैम मैं XYZ स्टेट का हूँ, मुझे मेरे स्टेट में हाईवेज, रेलवेज, ये सारा चीज डेवलप करना है एंड आई वॉन्ट योर
अथॉरिटी। मैंने कहा कितने का खर्चा हो रहा है? तो आपने कहा कि मैम 1000 करोड़ रुपए। मैंने कहा कि मैं 1200 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रही हूँ, ये जो 200 करोड़ एक्स्ट्रा सैंक्शन कर रही हूँ ना, आप आपका खर्चा कम करो और ये 200 करोड़ मेरे घर पे भिजवा दें। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ऐसा चीज होता है व्हेन द प्रोजेक्ट पासेस अप। जस्ट रिसेंट न्यूज हम लोगों ने पढ़ी थी व्हेन द प्रोजेक्ट ऑफ हाईवेज, मेट्रोज, रेलवेज, जहाँ पे पीपीपी या फिर ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर वर्किंग, देर आर मेनी केसेस जो ऐसे उठ उठ करके आते हैं कि जब भी एमपी एमएलए साइन करते हैं आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे, तो लिटरली कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कहते हैं कि हमको हमारा खर्चा कम करना पड़ता है, क्योंकि एक एक चीज पास करवाने पर हमको पेटी के पेटी उनके घर भिजवानी पड़ती। सो खर्चा कम करने में हो क्या रहा है, रॉ मटेरियल्स आर गोइंग ऑन द इंफीरियर साइड। सो ये सारा चीज बीइंग एन ऑर्डर वी नीड टू आइडेंटिफाई कि नो अथॉरिटी शुड सैंक्शन एनी एक्सपेंडिचर फॉर द पर्सनल बेनिफिट। पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर पर्सन। कोई भी इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल पर्सन के बेनिफिट के लिए हम लोग खर्चा नहीं करेंगे, एक्सेप्ट फॉर अनलेस द अमाउंट इज वेरी स्मॉल, वेरी इनसिग्निफिकेंट, एक्सेप्ट फॉर दैट इज द क्लेम विच इज गिवन अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। कई बार कोर्ट ऑफ लॉ ने शायद हो सकता है एससी एसटी के लिए, सम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, सम ओबीसी एलिमेंट के लिए कुछ खर्चा सैंक्शन करवा करके रखा है, तो हाँ, तो वो हमको पता है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ ने ही उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खर्चा करने बोला है, तो दैट इज अलाउड। So unless a claim for the amount would be enforced in the court of law. Third point, unless the expenditure is in pursuance with a recognized policy or custom, मतलब ये ऐसा खर्चा है जो since ages हम लोग करते आ रहे हैं for this particular community. And last, unless the amount of allowances such as travel, grants, expenditure of a particular type should be so regulated. बोलता है कि देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फिर ये पॉइंट समझेगा। कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल, से फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग विद रेलवेज, सो व्हेन यू आर वर्किंग विद रेलवेज यू गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट एज द सैलरी रेम्यूनरेशन एज वेल एज यू गेट सर्टन पर्क्स। अभी पर्क्स क्या होता है, योर रेलवे ट्रेवल इज फ्री, योर फैमिलीज रेलवे ट्रेवल इज फ्री, सो ये सारा जो अलावेंसेस और पर्क्स मिल रहा है तो बोलते हैं कि दिस इज अलाउड, क्योंकि यहाँ देखो वो लोग क्या बोलते हैं कि द पब्लिक फंड शुड नॉट बी यूज फॉर अ पर्सन्स बेनिफिट, पर्टिकुलर पर्सन का बेनिफिट। बट यहाँ पे तो मैं पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट दे रही हूँ, बोलते हैं उतना चलेगा अनलेस ये पर्क्स उनकी सैलरी से कई गुना ज्यादा। शुड बी सो रेगुलेटेड दैट सच अलाउंसेस आर नॉट द सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रिसिपिएंट। बोलते हैं कि थोड़ा पर्क्स देना अलाउड है, अलाउंसेस देना अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो बेनिफिट से उनकी पूरी घर वकरी चल रही, घर संसार उनका पूरा चल रहा है, ठीक है। सो द पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ द कम्युनिटी अनलेस इट इज वेरी स्मॉल, अनलेस द क्लेम कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अनलेस इट इज वाया अ पॉलिसी और अ कस्टम, अनलेस ये वाला द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस शुड नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर रिसिपिएंट। जस्ट जॉट दिस पॉइंट डाउन। So if at all you're not finding the place in audits are, use a post-it पे लिख लीजिए, या फिर space for students note last में कहीं पे जगह बच रही है वहां लिख लीजिए, या फिर start वाला पेज what to study है वहां लिख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। Then the last point is written out over here, point number 5. Now, areas of propriety under Companies Act are section number 143, 143, 141, 141. इसका सब मतलब समझाती हूँ मैं आपको। See, areas of propriety का मतलब क्या होता है? Companies Act में कौन से provision में उन्होंने ऐसे बात करके रखी है कि यार यहाँ पे खर्चा देख लो, यहाँ पे इंक्वायरी होल्ड कर लो, फिजूल का खर्चा तो नहीं हो रहा है ना, ये इवैल्यूएट कर लो, या ये इवैल्यूएट कर लो कि अननेसेसरी वेस्ट चीजें तो नहीं हो रही। तो 143(1) के आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ड्यूटी टू इंक्वायर,
यहाँ पे कंपनीज एक्ट में 143(1) ए से लेकर के एफ तक के क्लॉजेस पढ़ाए थे मैंने आपको, वेर इन द ऑडिटर वॉज रिक्वायर्ड टू, वेरी गुड, इंक्वायर अबाउट फ्यू एरियाज, एडवांसेस, बुक एंट्रीज, लॉस तो नहीं हुआ, डिपॉजिट कैसा शो किया है, कैश तो मिला है ना. 143(5) and 6 ये होता है गवर्नमेंट ऑडिट में कैग का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोग कैग को ये चीज बता करके रखते हैं कि सर अगर आपको लगता है कि कुछ एरिया में टेस्ट ऑडिट करना है, कुछ एरियाज में सप्लीमेंट्री ऑडिट करना है, कॉस्ट ऑडिट करवाना है. ये कंपनीज एक्ट में कॉस्ट ऑडिट क्यों करवाया जाता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वॉन्टेड टू बी वेरी प्रिसाइज कि यार जो कॉस्ट इनकर हो रहा है, कॉस्ट ऑडिटर को बुला करके जरा सा मुझे बता दीजिए ना कि कॉस्ट इज अप्रोप्रिएट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बराबर है. शेड्यूल 3 में भी वी स्पोक अबाउट मटेरियलिटी एज अ कंसेप्ट कि इफ एट ऑल द एक्सपेंडिचर इज क्रॉसिंग 1% तो उसको शो सेपरेटली. So all these areas are proprietary areas under Companies Act. Similarly, कारो पढ़ लिया है आपने, कारो 2020. So कारो 2020 में all these clauses talks about, very good, all these clauses talks about proprietary element under कारो. They want the statutory auditor to report over loan to related parties, loan to directors, report about any kind of investments, any kind of inter-security, inter-company loan, unrecorded income. इशू प्रोसीड्स, अब ये इशू प्रोसीड्स का मतलब क्या है, इशू प्रोसीड्स का मतलब है कि जो भी चीज है, ये 9 है और ये 10 है. इशू प्रोसीड्स में दो चीजें आती है, देखो से फॉर एग्जांपल यू हैव इशूड एनी पब्लिक इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करके कोई फंड रेज किया है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू लुक कैरी इट फॉरवर्ड फॉर क्लॉज नंबर 9 एंड क्लॉज नंबर 10. फ्रॉड के लिए रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टीज के लिए रिपोर्टिंग, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, एनी काइंड ऑफ इवेंट वेयर इन यू सी के प्रीवियस ऑडिटर हैड अ रेजिग्नेशन. तो ये सारा प्रोप्राइटी एलिमेंट है कि हम लोगों को कंपनी का पैसा फिजूल में वेस्ट नहीं करवाना है, हेंस हम लोग एडिशनल रिपोर्टिंग करते हैं. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एज आई टोल्ड यू, कारो 2020 मई 22 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए वेरी फर्स्ट टाइम एकदम ही नया नया कंसेप्ट एडेड है. सो कारो 2020 का उल्लेख दो एंटिटीज में सेपरेटली किया हुआ फॉर PSUs कि कारो 2020 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज वेल एज फॉर NBFC. तो जब भी NBFC ऑडिट आप पढ़ेंगे आपको समझेगा एक अलग से कंसेप्ट देकर के रखा है, एक छोटा सा पार्ट देकर के रखा है कारो 2020 के ऊपर. हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी न्यू एंड रीसेंट. एरियाज ऑफ प्रोप्राइटी कवर्ड अंडर कारो 2020. मैम मॉड्यूल में इसको तो बड़ा बड़ा लिखा है, तो वो बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इनटू कारो 2020. अगर आज आप मैं बोलने जाऊं लोन्स गारंटीज दिस इज टू 189 पार्टीज, मतलब डोंट यू अंडरस्टैंड कि दिस इज रिलेटेड पार्टी, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, द कंडीशन, द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, राइट. तो वही सारा एक्सप्लेनेशन उन्होंने फिर से चैप्टर में करके रखा जो आपने ऑलरेडी कारो में पढ़ लिया. So what are the problems and what are the solutions? As I told you, proprietary audit में सबसे major problem है understanding, subjectivity, judgment, moral term को establish करना. So proprietary is a moral term. It is understood differently by different person in a different situation. So hence auditing the verifiable positioning is very difficult to establish. कि यार इस चीज को मैं कौन से parameter के हिसाब से verify? So it has an inherent element of subjectivity. So the solution, the CAG has to develop some propriety norms, some buffer कि देखो minimum खर्चा इतना, maximum खर्चा इतना, हम लोग dependency नहीं कर create कर सकते. So management formulates the norms of propriety, subjectivity should be reduced, the judgment of the auditor should not be subjective as far as possible. अगर आपने ऐसा करके ऐसा करके ऐसा किया तो इतना खर्चा, नहीं, minimum और maximum का ranging बता दो, कम से कम 1,000 crore, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1,200 crore, बस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो दैट इज हाउ यू आर रिड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, है ना, वॉन्डर करने के चांसेस कम कर दिए. सो दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट, लीगल फ्रेम ऑफ ऑडिटिंग बाय कैग. व्हाट इज लीगल फ्रेम? जैसे कि हमने समझाया कि कैग एक लीगल अथॉरिटी, ये अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So the Constitution of India has certain articles in it for appointment of CAG, for giving them certain powers, for establishing duties, for reporting responsibilities, etc. So 148 से लेकर के 151 तक, इसके ऊपर MCQ already as per sources पूछा जा चुका है. 148 से लेकर के 151 तक articles में उन्होंने CAG के लिए ही सारा का सारा provision दिया. 148 talks about
CAG should be appointed by the President of India. What should be the tenure of CAG? It should be 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. Whichever is earlier. The remuneration of the CAG should be as equivalent to Supreme Court judge. Dekhiye students, if remuneration is high, if remuneration is huge enough, there are very less chances that CAG will be involved in any activities which is less objective. इंडिपेंडेंटली पर्सन काम करेगा ऐसी चांसेस है. रिमूवल शुड ओनली बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. इफ एट ऑल इट इज प्रूव्ड दैट यू हैव प्लेड अराउंड विद मॉरल टर्पिट्यूड, इफ एट ऑल इट इज प्रूव्ड नाउ यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी, मे बी अनसाउंड माइंड, यू आर नॉट वेल. अगर ऐसी सिचुएशन है, सिर्फ ये दो ग्राउंड्स पे रिमूवल किया जा सकता है. डराने धमकाने से रिमूवल नहीं किया जा सकता, ये लॉ ने स्थापित किया. ठीक है, तो कोई आकर के आपको धमकी देकर के जाए, देख लूंगा तुझे, इस पोजीशन से निकाल बाहर करूंगा, नहीं कर सकता. ओनली इफ इट इज प्रूव्ड दैट यू हैव मिसबिहेव और इट इज योर इनकैपेसिटी, तभी ही लीगली आपको कैग के पोजीशन से निकाला जा सकता है. नेक्स्ट, द पावर्स एंड ड्यूटीज आर स्टेटेड अंडर द पावर्स ड्यूटीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971. नेक्स्ट इज 150, द अकाउंट्स ऑफ यूनियन इन द स्टेट shall be well maintained, shall be maintained as per the description given by the president on advices of CAG. CAG की और एक duty होती है to compile and submit accounts. तो CAG अकेला कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा? तो frankly speaking, CAG को accounts compilation के लिए कुछ committees की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगी, PAC और COPU जो मैं initially आपको बता रही थी इस chapter. तो यहाँ पे हम लोगों को article number 150 में उन्होंने बताया है, the accounts of union in the state shall be compiled, shall be maintained as per the description given by the president on advice received by CAG. तो CAG ये भी देता है. Finally, इसके ऊपर भी MCQ आया हुआ है. Report of CAG shall be submitted to the president or governor. Underline this. The report of CAG shall be submitted to president or governor. So these are the four articles which are under constitution. Indian constitution में चार आर्टिकल लिखे हुए. जैसे हमारे नॉर्मल एक्ट के अंदर प्रोविजंस होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं. नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग. रिपोर्ट ऑफ कैग शुड इंक्लूड व्हाट? सबसे पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए कंटेनिंग द जनरल व्यू ऑफ द वर्क. मैंने अभी अभी आपको एक परफॉर्मेंस ऑडिट का चिट्ठा पिट्ठा बताया था, स्टार्टिंग में एक एग्जीक्यूटिव समरी के नाम पे इंट्रोडक्शन था. सेम हम लोग जो भी काम, जो भी रिपोर्ट देते हैं, सबसे पहला आता है उस चीज में बैकग्राउंड, उस चीज में एग्जीक्यूटिव समरी, द हिस्ट्री. ठीक है, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना लीजिए, ये बना लीजिए, वॉट एवर इज अदर देन एस ए 700, यू स्टार्ट विद योर एग्जीक्यूटिव बैकग्राउंड, समथिंग विच इज जस्ट इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस व्हाट वर्क हैव यू परफॉर्म. रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स. व्हाट इज अप्रेजल्स? एग्जामिनेशंस. रेज्यूम ऑफ द कंपनी ऑडिटर. से फॉर एग्जाम्पल द कैग हैज नॉट हिमसेल्फ ऑडिटेड एनी कंपनी, उसने अपॉइंटमेंट किया होगा मिस्टर फलाना फलाना का, तो उसके बारे में लिखना कि आई हैव अपॉइंटेड मिस्टर ए टू कंडक्ट the statutory auditor, audit of sale, bail, whatever. Comments of CAG and significant results of the entities which are not taken for appraisal. मतलब क्या? See guys, हमारे पास इतनी सारी public entity, इतना सारा public departments, body or authority है which are substantially financed by Consolidated Fund of India. So it is not possible for CAG to perform audit of each and every PSUs. So, based on the inherent weaknesses, the chances of fraud, the level of risk, the CAG selects PSU and performs audit year on year. In case the CAG has not audited any PSU, तो CAG क्या करेगा? अपने रिपोर्ट में उन PSU का नाम लिख देगा, बोलेगा कि भाई इनका ऑडिट मैंने नहीं किया है, बट इनका रिजल्ट्स आर एज सच. सो ऑडिट बोर्ड के दे हैव नॉट टेकन फॉर अप्रेजल्स, एग्जामिनेशन नहीं किया, बट विल गिव देम द ब्रॉड रिजल्ट्स ऑफ द सेम. What is the role of CAG? जैसे मैं हूँ आपके लिए friend, philosopher, guide for audit, वैसे ही CAG acts as friend, philosopher and guide to all the committees, PAC, COPU and estimation committee. So it acts as friend, philosopher. So his general work, जो committees है वो appropriately काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. He scrutinizes the notes of the ministries, जो ministries ने submit किया है, to check the correctness of the submission. फाइनेंशियल कमिटीज ने जो प्रेजेंट किया है रिपोर्ट्स, उसको ऑब्जर्व करना, उस पर रिकमेंडेशन देना, ये सारा चीज क्या होता है? रोल ऑफ कैग.
रोल ऑफ कैग और एक So, frankly speaking, in respect of audit report, which could not be discussed in details by the committees, written answers are obtained from the departments, ministries concerned, are sometimes incorporated in the reports presented to the parliament. देखो हम लोग क्या करते हैं? The report is given by company auditor to CAG. CAG then lay down before the houses of parliament. Houses of Parliament, वहां पे वो सारी चीजें डिस्कस होती है Houses of Parliament में, लोकसभा राज्यसभा, कि या गवर्नमेंट का पैसा हम लोगों ने यहाँ यहाँ यूटिलाइज किया है, उसका आउटपुट क्या है, ठीक है? कई बार ये रिपोर्ट्स, हर एक रिपोर्ट्स आर नॉट डिस्कस्ड, तो यहाँ पे कैग और एक रोल प्ले करता है कि ठीक है, अगर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एबल टू डिस्कस दिस, ही हिमसेल्फ गोज टू दैट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री के पास जाता है और बोलता है कि देखो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, आपको आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ बोलना है क्या? So, देखो ये है हमारी मिनिस्ट्री नंबर वन, इसको पता है कि यार ये मिनिस्ट्री नंबर वन का जो रिपोर्ट बन रहा है ना, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम ही नहीं है कि दे विल बी गोइंग थ्रू द रिजल्ट्स, तो हो सकता है वो रिपोर्ट को एकदम ही लाइटली ले लें. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सर्कमस्टेंस दैट द ऑडिट रिपोर्ट्स आर टेकन लाइटली, व्हाट कैग विल डू, कैग को पता है कि ईच एंड एवरी रिपोर्ट विल नॉट बी रेड एट पार्लियामेंट, विल नॉट बी स्क्रूटिनाइज्ड, विल नॉट बी क्वेश्चन एंड आंसर. सो कैग He himself goes to the department, ministries, और उनके पास जाकर के क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि दिस इज अ रिजल्ट, आप ही बता दीजिए कि व्हाट आर योर आउटपुट्स, क्यों ये ऐसा हुआ, एंड जो भी रिजल्ट्स ये मिनिस्ट्रीज ये अथॉरिटी देते हैं, दैट इटसेल्फ इज इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपोर्ट. ये इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है? आप जो भी बोलोगे ना, मैं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा, ठीक है? सो दैट इज अ लास्ट पॉइंट. So, in respect of audit committee, which could not be discussed in detail by the committees, written answers are obtained from the departments or the ministries concerned and are sometimes incorporated in the audit report presented to the parliament or legislative or the state legislation. This is to ensure that what the audit report are not taken lightly, even if the entire audit report is not deliberated, what is deliberated, discussed upon by the committees. So, what are the committees? The last point of this chapter, there are three committees: PAC, Public Accounts Committee, Committee on Public Undertaking, and Estimation Committee. So, Public Accounts Committee satisfy itself about the authorization, application, reappropriations of the funds. It examines the amount जो पैसा use हो रहा है by the public accounts. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो काम पैक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए करता है वो सेम काम कोहू पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए करता है. सो इट एग्जामिन्स द अकाउंट्स रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इट ऑल्सो एग्जामिन्स एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, मैनेजमेंट इज एज पर द साउंड बिजनेस पॉलिसीज, द कमर्शियल प्रैक्टिसेस, इट एक्सरसाइजेस सर्च पावर whether they are जो functions है which are wasted on PAC and estimation committee. So यहाँ पे एक छोटा सा example देती हूँ मैं. It exercises such function, such other function which are wasted on PAC, which are wasted on estimation committee as may be allocated by the speaker from time to time. अभी speaker कौन है मैं बता. If at all you have heard any time the Lok Sabha, the Rajya Sabha, the discussions of the parliament, houses of parliament, there is a person जो बैठा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर. इफ एट ऑल वो लेडी है, रिस्पेक्टेड लेडी, तो जो स्पीकर है ना, मतलब जो भी पर्सन डिस्प्यूट कर रहा है या फिर डिबेट कर रहा है, वहां पे वो चीज ऐसे बोलते हैं मैडम स्पीकर आई वांट टू से दिस, मैडम स्पीकर, वो मैडम, वो स्पीकर कौन है? वो स्पीकर वो है जो उस सभा के लिए एक अथॉरिटी होल्ड करके बैठा, जिसके पास द स्पोक्स पर्सन, जिसके पास अथॉरिटी है जो आपको गाइड कर सकते हैं, ये आपने गलत किया, ऐसा मत करो, वैसा करो. तो यहाँ पे वही चीज बोलता है कि कोपू वो सारे काम करेगा जो पैक और एस्टिमेशन कमेटी करते हैं फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग्स विच आर अलोकेटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम. एस्टिमेशन कमेटी, इट एग्जामिन्स द एस्टिमेशन विद अ व्यू टू रिपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स
suggest the alternative policies, suggest the way of presentation, examine whether all the amounts are well laid within the limits, जो भी खर्चा है वो सारा well within the limits है या नहीं है. So this is how the estimation committee works. ठीक है, so तीन चीजें हैं, PAC, COPO, estimation committee. PAC works for government department, COPO works for public undertaking, estimation committee works for the estimations, the amounts are well laid within the limits. Done. यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू comes to an end.